हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारा इतना सारा सपोर्ट करते हो आप हमारा, और इतने प्यारे प्यारे आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। आप ही की ये ताकत हमें आगे लेके आती है। हम जो कुछ भी हैं सिर्फ आप ही के सपोर्ट से हैं, ये मैं दिल से मानता हूँ। और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ आपको कम दिनों में, पेपर है उसके लिए कुछ देते रहें जो आप एक महीने में ही आपको काफ़ी सपोर्ट करें। तो आप अपना प्यार ढेर सारा इसी प्रकार देते रहें, सब्सक्राइब करें जरूर हमें, और शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद होती है, और अपने अमूल्य बहुमूल्य कमेंट जरूर हमें करें। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। 395 अनुच्छेद तो पढ़ के रख लेते हैं, लेकिन जब अनुसूचियों की बात आती है ना तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि हम शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करें सिर्फ 3 मिनट के इस वीडियो में। तो भारत की संविधान की अनुसूचियां, तो ऐसे याद कर लो, संघ राज्य वेतन शपथ सभा एससी जनजाति शक्ति भाषा संपत्ति दल पंचनगर, आखिरी में पंचनगर छोड़ देना आप। संघ राज्य वेतन शपथ सभा एससी जनजाति शक्ति भाषा संपत्ति दल पंचनगर, ये 12 अनुसूचियां हैं जिन्हें आप चुटकियों में याद कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, संघ राज्य वेतन, संघ राज का वेतन छुपा होता है, शपथ सभा होती है तब उनको वेतन दिया जाता है, मतलब संघ राज्य को वेतन दिया जाता है शपथ सभा के बाद। फिर ऐसी जनजाति आ जाती है, इसे आप याद करके रखिएगा, ऐसी जनजाति जो शक्ति होती है वो भाषा की में होती है और संपत्ति से दल बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, संघ राज्य जो बनते हैं वेतन शपथ सभा में मिलते हैं, ऐसी जनजाति को आप अलग रखिएगा, शक्ति भाषा जो शक्ति होती है वो भाषा में होती है और संपत्ति से दल बन जाते हैं, पंचनगर आखिरी में तो है ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। जैसे हमारा पहला है संघ राज्य, इसके अंतर्गत पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दूसरे में वेतन, वेतन भत्ता और पेंशन होती है उसका जिक्र है। तीसरे में है शपथ, शपथ ग्रहण करने का जिक्र है हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में। चौथा है सभा, सभा से संदर्भ है दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, सभा जो हमारी चौथी है उससे ताल्लुक है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। एससी जो पांचवा दिया हुआ है, इसमें एससी एवं एसटी का प्रशासन और नियंत्रण है, एससी एसटी का प्रशासन और नियंत्रण है। छठवां है जनजाति, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। सातवां शक्ति, शक्ति का बंटवारा किस किस के बीच में, संघ और राज्य के बीच में जो होता है। भाषा जो आठवां है, भाषा आठवीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवां संपत्ति, संपत्ति का अधिकार। दसवां दल, दल बदल कानून बनाया गया। पांचवें में पंचायती राज व्यवस्था और 12वें में नगर पालिका। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बनाऊंगा कि कुछ बच्चे देखते हैं बहुत बड़ा है, समय नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे, तो पढ़ते ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इसको आपको शॉर्ट ट्रिक में ही आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको लगे जब आप वीडियो टाइम देखो, अरे ये तो बहुत कम है, चलो एक बार निगाह मार लेते हैं। तो आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, सब्सक्राइब करें, और ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है तो इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।